लगातार पिछले 8 दिनों से गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड पर हुए एक हादसे को लेकर हिंदू संगठन के लोग प्रेस मीट और एहतजाज कर इंसाफ की मांग करते हुए तालिबान, आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मजहर हुसैन एडवोकेट ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर कर सबसे पहले हागरगा रोड पर 3 नौजवानों को नंगा कर उन पर जुल्म करने वाले हादसे की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही धर्म की राजनीति के खिलाफ बयान जारी किया है। हिंदू संगठन के लोग एहतजाज कर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के को नंगा कर इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए तालिबान और पाकिस्तान की तरह जुल्म किया है। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, हागरगा रोड पर सिर्फ अर्जुन अप्पा नामी हिंदू लड़के को नहीं बल्कि समीरुद्दीन और अब्दुल रहमान नामी दो मुसलमानों को भी नंगा कर उन पर जुल्म किया गया है और जुल्म करने वाले आरोपियों में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दीगर मजाहिब के लोग भी शामिल थे। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, क्राइम करने वाला चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो उसे क्रिमिनल की नज़र से देखना चाहिए, पर गुलबर्गा शहर में कुछ फिरकापरस्त लोग मजहब को टारगेट कर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी कोटनू डी विलेज में बाबा साहब अम्बेडकर के इंसल्ट किए गए मामले पर दलित और लिंगायत के बीच नफरत फैलाई गई थी और अब हागरगा रोड पर हुए इंसिडेंट पर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाई जा रही है। और इसके अलावा खासकर मजहर हुसैन एडवोकेट ने पुलिस कमिश्नर से मुतालबा कर सेक्शन 66 ई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नंगी हालात में मार खा रहे 3 लड़कों का वीडियो सबसे पहले पब्लिक में वायरल करने वालों के खिलाफ 100 मोटो केस बुक कर एक्शन लेने की गुजारिश की है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewelry Road. Admission are open. Contact for details. Hagarga Road पे एक incident हुआ जो आप लोगों के मोबाइलों में वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें 3 लड़कों को बिना कपड़े उनको कुछ लोग मार रहे थे, पीट रहे थे और उसके बाद 5 तारीख को केस रजिस्टर्ड हुआ और जितने भी आरोपी उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार होने के बाद रिसेंटली एक स्वामी, उन्होंने प्रेस मीट किया, प्रेस मीट के ज़रिए से उन्होंने अपनी बात को इस तरह से रखी कि इस इंसिडेंट को लेकर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदू पे जुल्म किया है। तो मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एफआईआर है, एफआईआर में 7 लोगों का नाम है, जिसका पहला नाम इमरान पटेल, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद ज़िया, मोहम्मद अफजल, हुसैन शेख, रमेश दडमनी, सागर कोली, ये 7 लोगों के नाम पर एफआईआर हो गया। एफआईआर के मुताबिक जो विक्टिम है, विक्टिम 3 हैं, वो विक्टिम के नाम सुनिए, अर्जुनप्पा मड़ीवाल, मोहम्मद समीरुद्दीन, अब्दुल रहमान, यानि जो मार खाए हैं सिर्फ अर्जुनप्पा मड़ीवाल मार नहीं खाए वहाँ पर, उसके साथ मोहम्मद समीरुद्दीन, अब्दुल रहमान। सबसे पहले जो हरकत वो कुछ लोगों ने नौजवान वो ये विक्टिम को कपड़े निकाल कर जो जुल्म किया है उसके सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो एक्ट को हम पूरी तरह से कंडम करते हैं। ये हरकत बहुत ही घटिया हरकत उन्होंने की है, लेकिन साथ ही साथ इस इशू को लेकर एक स्वामी कहता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करता है, किस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो क्राइम करता है, जो जुर्म करता है वो आरोपी होता है, वो क्रिमिनल होता है, वहाँ पर कोई मजहब, कोई जात, कोई पात देखा नहीं जाती, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल अगर हरकत किया है तो वो क्रिमिनल की नज़र से उसको देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं जब भी इशू होता है वो स्वामी जो है भगवा कलर का लिबास डालकर प्रवचन देना स्टार्ट करता है। कभी कोटनूर में अगर जब हमला होता है तो वहां पर दलित और लिंगायत के बीच में वहां पर दरार डालने की कोशिश करता है, यहां पर इसके अंदर अर्जुनप्पा के ऊपर अगर वहां पर जुल्म होता है, सिर्फ अर्जुनप्पा का नाम नहीं आना चाहिए था, वहां पर अर्जुनप्पा के साथ मोहम्मद समीरुद्दीन का नाम आना था, उसके साथ साथ अब्दुल रहमान का भी नाम आना चाहिए था, लेकिन वहां पर उनका नाम ले रहे, ऐसा बता दिया कि पूरे रियासत में, पूरे इंडिया में कि एक अर्जुनप्पा मड़ीवाल को मुस्लिम नौजवानों ने उनको लंगा कर उनको पीटा, उनको मारा, उनको जुल्म किया, लेकिन हकीकत
यहाँ पर सिर्फ अर्जुन पर नहीं था, यहाँ पर दूसरे मुस्लिम दो नौजवान भी थे और आरोपियों के अंदर पूरे मुस्लिम नहीं थे, वहाँ पर दूसरे भी मजहब के ताल्लुक रखने वाले उसके अंदर आरोपी भी थे। लेकिन इसको लेकर अगर ये पहली बार नहीं, कोटनूर के अंदर भी, कोटनूर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पे चप्पल का वहाँ पर ये करते हैं, उनकी बेहरुमती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वहाँ पर केस होता है, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड होने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार होने के बाद रिलीज होता है, रिलीज आने के बाद वहाँ पर फटाखे फोड़ते हैं, वहाँ पर फटाखे फोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर दलित एससी एरिया के कुछ नौजवान को वहाँ पर तेज में आकर वहाँ पर ये करते हैं। तो उसके अंदर भी वहाँ पर सियासत, वहाँ पर बड़े बड़े भाषण करते हैं और उसमें यहाँ पर एमएलए कैंडिडेट जो है एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, वैसे लोग भी वहाँ पर भाषण करते हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों को जब इलेक्शन आता है तो दलितों को दलित नहीं समझते, आप दलितों को हिंदू बना देते हैं, जब लिंगायत और दलित की बात आती है वहाँ पर दलित हिंदू नहीं होता, वहाँ पर दलित बन जाता है। तो ये सियासत, ये चीज़ को हमको समझना होगा। और यहाँ पर दूसरी बात, मैं खास एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीडियो जो सर्कुलेट किए गए हैं गिरफ्तार होने के बाद, ये आरोपी गिरफ्तार होने के बाद वो वीडियोस जिसमें कुछ भी कपड़े नहीं, पूरी तरह से बच्चे, तीन विक्टिम तीनों के तीनों नंगे हैं, ये वीडियो बाहर कैसा आया, ये वीडियो तमाम मोबाइलों के अंदर कैसा चला गया, ये वीडियो को सर्कुलेट करने वाला वो कौन है, जिससे वहां पर जो तीन विक्टिम थे उनके प्राइवेट पार्ट को वीडियो के जरिए से दिखाया गया, उस ये गिरफ्तार होने के बाद वो पुलिस कस्टडी में थे, वो पुलिस कस्टडी में जब रहते हैं तो पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो आरोपी के मोबाइल से लोगों के मोबाइलों के अंदर कैसा चला गया, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको 100 मोटो लेना चाहिए, सेक्शन 66E इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, सेक्शन 66E इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 100 मोटो केस रजिस्टर्ड करके इंक्वायरी कर जो भी वो वीडियो सर्कुलेट किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर कि सेक्शन 66E ये कहता है कि किसी औरत या मर्द, सिर्फ औरत नहीं या मर्द भी है, मर्द अगर उसके नंगे फोटो, तस्वीर या वीडियो या कोई चीज़ अगर लोगों में सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको लोगों को दिखाते हैं, तो सेक्शन 66E इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत वो जुर्म है, 3 साल की सजा, 2 लाख की पनिशमेंट है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप IPS ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने इसके अंदर सख्त कार्रवाई की है, आपने इमीडिएट उनको गिरफ्तार किया है, आपने इमीडिएट प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन वो कुछ संगठन के लोग स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उसमें से एक लीडर कहता है, कमिश्नर साहब के खिलाफ बयान देता है कि यहाँ पर इसमें अच्छी इंक्वायरी होना चाहिए, वरना आपको यहाँ से जिले से निकाल देंगे आपको। वो IPS ऑफिसर है और उनको इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो जितने भी वहाँ पर थे उनके ताल्लुक से भी इंक्वायरी करना होगा। वो प्रोटेस्ट के अंदर भी रोडी एलिमेंट्स हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और हिस्ट्री शीटर हैं, मैं तमाम लोगों को जानता हूं। मैं वो लोग बैठकर वो लोग वहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरे कौन सा इशू किसे किधर किधर लेकर जा रहे हैं। हम खामोश बैठ रहे थे इसका मतलब नहीं कि हम खामोश बैठ रहे हैं, हम कानून नए हैं, हम कानून के जरिए से हम किसी का, हम यहाँ पर एकता की बात करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ पर इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो यहाँ पर जात और धर्म नहीं देखते, अर्जुन अप्पा तुम्हारा नहीं है, अर्जुन अप्पा मणिवाल हमारा भाई है, वो हमारा भाई है, वहाँ जिस तरह से समीर उद्दीन हमारा भाई है, अर्जुन अप्पा हमारा भाई है, ये मणियाल समाज, ये समाज, वो समाज, मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज, दलित समाज नहीं, इंसानियत, इंसानियत को सबसे पहले देखना होगा। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, स्वामी का नाम रख लेकर भगवा कलर डालकर वो भगवे के इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनके खाली हर बार जब भी मुसलमानों का मामला है तो वो कूद कूद के सामने आते हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत कि जब भी मुसलमानों को कुछ भी होता है तो वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो वो कभी नहीं आते, दलित के ऊपर कभी जुल्म होता है तो वो कभी बाहर नहीं आता। जब भी देखता हूँ यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का जो भी मामला आता है वो आंदोलन स्वामी बाहर आता है, तो वो यूनिवर्सिटी से वो कौन लोग हैं जो कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगाते हैं। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो वीडियो लीक किए हैं वो वीडियो के ऊपर 100 मोटो केस रजिस्टर कर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना होगा।
This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadala Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.